नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। तृणमूल कांग्रेस की तेज तर्रार नेता और सांसद महुआ मोइत्रा ने मोदी सरकार के एक मंत्री पर लगाए हैं गंभीर आरोप। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की है जिसके साथ ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एक तस्वीर के साथ उन्होंने क्या कुछ लिखा ये आपको बताते हैं। अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट किया है जिसका हिंदी में क्या तर्जुमा है ये आपको बताएंगे। इसमें वो लिखती हैं कि केंद्रीय मंत्री ने ऑफिशियल लेटर हेड पर एक फॉर्म प्रिंट करवाया है और बीएसएफ की 85वीं बटालियन को पास जारी करने के लिए कहा है। और ये पास किसके लिए, ये स्मगलर्स यानी कि जो तस्कर हैं भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर, उनके लिए ये जारी किए गए हैं। और इसमें कहा गया है कि 3 किलो बीफ यानी गौमांस को उस पार ले जाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने ये जो लेटर हेड लिखा है, जो साथ में जो टैग किया है वो भी आप देख सकते हैं। शांतनु ठाकुर जो कि केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं, उनका ये लेटर हेड कथित तौर पर है, ऐसा आरोप है महुआ मोइत्रा का। और इसमें जो नाम है जियारुल गाजी, उनका नाम पता लिखा हुआ है, साथ ही आधार नंबर भी है, लेकिन वो आपको हम दिखाएंगे नहीं। और जो नेचर ऑफ मटेरियल यानी किस चीज़ को ले जाने की अनुमति, तो उसमें लिखा हुआ है बीफ और उसका वज़न है 3 किलो और नीचे शांतनु ठाकुर के हस्ताक्षर शामिल हैं। और ये फ़ोटो देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी जो बॉर्डर एरिया है वहीं किसी बीएसएफ के जवान के हाथ में ये लेटर था जिसकी तस्वीर महुआ मोइत्रा ने ट्वीट की है। और साथ ही उन्होंने इसमें टैग किया है केंद्रीय गृह मंत्रालय को और तंज कसते हुए उन्होंने मीडिया के लिए भी कहा है और साथ ही गौ रक्षक सेनाओं को भी आह्वान किया है। तो ये ट्वीट है महुआ मोइत्रा का जो कि अब काफ़ी वायरल हो चुका है। ये वीडियो जब हम बना रहे हैं तो 1000 से ज़्यादा लोग इसको रिपोस्ट कर चुके हैं, 3000 से ज़्यादा लोग इसको लाइक कर चुके हैं और इसको लेके लगातार एक बहस छिड़ी हुई है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि बीएसएफ या केंद्रीय गृह मंत्रालय या फिर शांतनु ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आए तो वो भी आप तक हम पहुँचाएँगे। फिलहाल ये वीडियो बनाए जाने तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, लेकिन महुआ ने जो आरोप लगाए हैं वो ज़रूर वायरल हो गया है। अब इस पर कितनी सत्यता है, कितना सच कितना झूठ, ये पता चलेगा जांच के बाद। लेकिन यहाँ पे ये भी आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा पर कल ही दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर भी दर्ज की है। महुआ मोइत्रा पर जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं उन पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए नए कानून जो भारतीय न्याय संहिता है उसके तहत केस दर्ज किया गया है। और उसी के अगले दिन महुआ मोइत्रा ने ये गंभीर आरोप केंद्रीय गृह मंत्रालय और साथ ही बीजेपी के सांसद और मंत्री शांतनु ठाकुर पर लगाया है। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।